एक जंगल में एक लालची भालू रहता था। वह हर समय ज्यादा की तलाश में रहता था। थोड़े से वह कभी संतुष्ट नहीं होता है। एक दोपहर जब वह सोकर उठा तो उसे जोरों की भूख लगाई। वह भोजन की तलाश में निकल पड़ा। उस दिन मौसम साफ था, सुनहरी धूप खिली हुई थी। भालू ने सोचा, कितना अच्छा मौसम है, इस मौसम में तो मुझे मछली पकड़नी चाहिए। चलो आज मछली की ही दावत की जाए। ये सोचकर उसने नदी की राह पकड़ ली। नदी किनारे पहुंचकर भालू ने सोचा कि एक बड़ी मछली हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। उसने पूरी उम्मीद से नदी में हाथ डाला और एक मछली उसके हाथ आ गई। वह बहुत खुश हुआ। लेकिन जब उसने हाथ नदी से बाहर निकाला तो देखा कि हाथ लगी मछली छोटी सी है। वह बहुत निराश हुआ। उसने सोचा, अरे इससे मेरा क्या होगा, बड़ी मछली हाथ लगे तो बात बने। उसने वह छोटी मछली वापस नदी में फेंक दी और फिर से मछली पकड़ने तैयार हो गया। कुछ देर बाद भालू ने फिर से नदी में हाथ डाला और उसके हाथ फिर से एक मछली लग गई। लेकिन वह मछली भी छोटी थी। उसने वह मछली भी यह सोचकर नदी में फेंक दी कि इस छोटी सी मछली से मेरा पेट नहीं भर पाएगा। वह बार बार नदी में हाथ डालकर मछली पकड़ता और हर बार उसके हाथ छोटी मछली लगती। वह बड़ी की आशा में छोटी मछली वापस नदी में फेंक देता। ऐसा करते करते शाम हो गई और उसके हाथ एक भी बड़ी मछली नहीं लगी। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो गया। वह सोचने लगा कि बड़ी मछली के लिए मैंने कितनी सारी छोटी मछलियाँ फेंक दी। उतनी छोटी मछलियाँ एक बड़ी मछली के बराबर हो सकती थी और मेरा पेट भर सकता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपके पास जो है उसका महत्व समझें। भले ही वह छोटी हो, लेकिन कुछ न होने से बेहतर है।